नमस्कार, मैं डॉक्टर जीएल शर्मा। मैं डायरेक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी जयपुर हार्ट इंस्टीट्यूट जयपुर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। हमने काफ़ी सम्मान्य और गणमान्य लोगों के यहाँ पे इलाज किए हैं 2009 से। वन डे अमित निर्भय एंड ही सिस्टर सुलक्षणा निर्भय दे अप्रोच टू मी एंड उन्होंने मेरे को एक जो कैंगन वाटर है उसके बारे में बताया। I highly impressed by this water and I am using this since last 15 days. So I read and I am feeling the benefit of this. First, जो मेरे को सबसे important इसका benefit लगता है, this alkaline water is maintaining the pH of body. Normally our body pH is 7.4, but a lot of time we are consuming acidic material. So this neutralize the acidic media of our body and acidity कम होने की वजह से हमारी बॉडी में पेन एक बहुत कम होते हैं, जॉइंट पेन कम होते हैं और इससे कैल्शियम फॉस्फोरस का जो होम्योस्टेसिस है, जो मेंटेनेंस है कैल्शियम फॉस्फोरस का, वो अच्छा रहता है। बिकॉज व्हेन एसिडिटी ज़्यादा होती है तो बोन से फॉस्फोरस और कैल्शियम डिप्लीट होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम अल्कलाइन मीडियम में रहते हैं तो जो बोन डिप्लीशन है वो कम होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है, दिन भर काम करने की क्षमता बढ़ती है और आपको एनर्जी लेवल बढ़ता है, थकान बहुत कम होती है। ये जो मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 15 डेज से, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। मेरे भी जॉइंट पेन होते थे वो कम हो रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है वो एंटी ऑक्सीडेंट प्रोडक्शन होता है, एंटी एजिंग आपकी प्रॉपर्टीज होती है इसमें। एंटी एजिंग से आप जो वृद्धावस्था है वो धीरे धीरे कम आती तो, लेकिन ऐसे जल्दी नहीं आती है। और एंटीऑक्सीडेंट से आपके जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, लीवर की प्रॉब्लम्स होती है, बोन्स की प्रॉब्लम होती है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है और स्पेशली किडनी की प्रॉब्लम्स होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट कंजम्पशन से नहीं होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे काफ़ी ऑयल्स में भी होती है और वेजिटेबल्स में होती है और व्हाट वी आर कंज्यूमिंग एंटीऑक्सीडेंट थ्रू द मेडिसिंस, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी इसमें होती है, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट। सो आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसमें कम होती है, लंग्स की फाइब्रोसिस वगैरह कम होती है और लीवर, जो लीवर में हमारे टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं उनको भी ये डाइल्यूट करता है। थर्ड इम्पोर्टेंट जो इसका बेनिफिट होता है किडनी में, किडनी फेल्योर वाले पेशेंट्स को और किडनी में जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है उसमें इट इज़ बेनिफिशियल। एंड लीवर में जो टॉक्सिसिटी डेवलप होती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी, वो कम होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई रेड समवेयर कि इससे आपका बॉडी वेट रेगुलेशंस भी होता है एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट सुलक्षणा एंड अमित फॉर देयर दिस न्यू वेंचर एंड दे हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। थैंक यू वेरी मच।